अतरंगी हमेशा अजीब सपने देखता रहता है और उन सपनों को अपने दोस्तों के सामने सुनाता रहता है। सुमित, आज मैंने और बढ़िया सपना देखा है, आजा तुझे सुनाता हूँ। मैं अगर नहीं भी सुनना चाहूँ तब भी तू जबरदस्ती सुना देता है। ऐसे अतरंगी अपने दोस्तों को जबरदस्ती अपना सपना सुनाता है। अतरंगी ने अपने सपने में एक मैजिकल मोटर बाइक को देखा था और वो सोने का थी। उस पर बैठकर अतरंगी सारे गांव में घूम रहा था। उसकी बात सुनने के बाद उसके दोस्त, जैसा नाम वैसी हरकतें, सच में तुझसे बड़ा गधा वो असली गधा भी नहीं होगा। जा रहा हूँ मैं, तेरे साथ रहूंगा तो लोग मुझे भी पागल समझेंगे। ऐसे कहते हुए अतरंगी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अतरंगी भी उदास होकर अपने घर चला जाता है और अपने आप में ऐसी बात करते हुए बैठता है। सुमित बिल्कुल सही कह रहा था, मैं बिल्कुल एक पागल की तरह बात कर रहा हूँ और ऐसे ही सपना देखता हूँ। मुझे फिर कभी भी ऐसा सपना नहीं आना चाहिए। ऐसे कहते हुए अतरंगी अजीब सपने नहीं देखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रात को सोते ही उसे फिर से वही सपना आता है। एक गोल्डन काउ मोटर बाइक पर बैठकर घूम रहा अतरंगी। अगले दिन सुबह फिर से वही सपना। आज किसी को भी अपने सपने के बारे में नहीं बताऊंगा, वरना फिर से मुझे पागल कहेंगे। ऐसे कहते हुए अतरंगी नींद से जागकर आंगन में आकर देखा तो उसे वही सपने वाली गोल्डन काउ मोटर बाइक नजर आती है। उसे देखकर अतरंगी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये सच है या मेरी आंखें कोई सपना देख रही है? ऐसे कहते हुए अतरंगी जाकर उस बाइक पर बैठकर उसे एक असली मोटर बाइक की तरह चलाने लगता है और बिल्कुल सपने की तरह सारे गांव में घूमने लगते हैं। ओए, अबे ओए सुमित, ये देख, मुझे पागल कह रहे थे ना? ये देख मेरी सपने वाली गोल्डन काउ मोटर बाइक। मैं ऐसे ही मजाक में कह दिया था मेरे भाई, मुझे भी बैठने देना अपनी इस बढ़िया सी बाइक पर। बिल्कुल भी नहीं बैठाऊंगा, तुम इसे गंदी कर दोगे। अच्छा चलता हूँ, ऐसे ही कभी कभी दूर से देख लेना। ऐसे कहते हुए अतरंगी वहाँ से चला जाता है अपनी गोल्डन काउ मोटर बाइक पर बैठकर। लेकिन उसे उस बाइक पर बैठकर सुमित से ऐसे बात करने की वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। जिस बाइक को देखकर तू इतना अकड़ रहा है ना, तू देख मैं उसी बाइक को चुरा कर मैं तुझे फिर से कैसे पागल बनाता हूँ। यहाँ पर सुमित उस बाइक को चोरी करने के बारे में सोच रहा है और वहाँ पर अतरंगी की मोटर बाइक उससे बात कर रही है। मैं अच्छे सपने दिखने वाली परी हूँ, मुझे किसी वजह से कुछ देर के लिए अपना घर छोड़कर धरती पर आना पड़ा था। यहाँ पर आते ही तुम्हारे सपने देखने की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से मैं इस बाइक की तरह बन गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद इस सपने देखने की बीमारी से परेशान हूँ। सपनों की परी कहती है कि इसमें अतरंगी की कोई गलती नहीं है और अब वो जा रही है वहाँ से। ऐसे कहते हुए वो गोल्डन काउ मोटर बाइक जो एक सपनों की परी है अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। उस दिन के बाद से अतरंगी को सिर्फ अच्छे सपने ही आते हैं और वो जो भी सपने देखता है नींद से जागते ही
भूल जाता है और अतरंगे की बाइक चोरी करने के लिए आया हुआ सुमित अजीब हरकतें करने लगते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, जो गोल्डन का मोटर बाइक है वही सपनों की फेर है और वो आसमान में उड़ गई है। तू जल्दी से अपना इलाज करवा ले सुमित, इतने अच्छे लड़के को ऐसी बातें करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ मैं। पहले गांव के कुछ लोग नदी में मछलियाँ पकड़कर ही व्यापार करते थे। उनके लिए मछलियाँ पकड़कर व्यापार करना ही जीने का एक मंत्र उपाय था। लेकिन कुछ दिनों पहले विश्वास नाम का एक धनवान आकर नदी पर कब्जा करके बैठ गया है। हम सब इसी नदी से मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे विश्वास जी, अब आप नदी में तरह तरह की मशीन्स लगाकर मछलियाँ पकड़ रहे हो और हमें मछलियाँ पकड़ने नहीं देते हो। अब हमें क्या करना है आप ही बता दो। तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुमसे ये नदी जबरदस्ती छीन ली है। सरकार ने बहुत सारे पैसे लिया है मुझसे इस नदी के लिए, तुम सब कोई और काम देख लो। ऐसे कहते हुए विश्वास सबको झूठ बोलकर वहाँ से भेज देता है। उदास होकर गोपाल और बाकी के मछुआरे अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब गोपाल की पत्नी, आप चिंता क्यों करते हो जी, हम गांव में रहते हैं, पास में ही इतना बड़ा जंगल है, लकड़ियाँ काटकर गुजारा कर सकते हैं, या फिर जंगल में मिलने वाले दुर्लभ फल लाकर व्यापार कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो नंदिनी, मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता हूँ, कुछ फल और लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। ऐसे कहते हुए गोपाल जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है। गोपाल पहले उस पेड़ को काट लेता है और लकड़ियों को इकट्ठा करके दुर्लभ फल ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे ठंड की वजह से कांपता हुआ बंदर का परिवार नजर आता है। लगता है ये लोग रातों में होने वाली बारिश में भीग रहे हैं, इसीलिए ठंड से कांप रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए वरना छोटे बंदर ठंड से मर सकती है। ऐसे कहते हुए गोपाल सूखे पेड़ की काटी हुई लकड़ियों को लेकर आकर चार लकड़ियों में आग लगा देता है और बाकी के लकड़ियों से उन बंदरों के लिए घर बना कर देता है। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो लक्केदारे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। किसी और दिन आना, हम भी तुम्हारी किसी ना किसी तरह की मदद करेंगे। फिलहाल मुझे बच्चों को संभालना है। कोई बात नहीं है, अब आराम करो, मैं चलता हूँ, इस जंगल में मुझे और थोड़ा काम करना है। ऐसे कहते हुए गोपाल फिर से उन दुर्लभ फलों को ढूंढते हुए चला जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे कुछ फल मिलते हैं। वो लेकर घर लौट रहा होता है, तभी उसे देखकर बंदर के बच्चे ऐसे आवाज लगाते हैं। माँ, वो लक्कादारा आ रहा है और हमारे लिए फल लेकर आ रहा है। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, फल स्वादिष्ट लगते हैं। उस बंदर के बच्चे की बात सुनकर घर लौट रहा गोपाल उन्हें वो फल भी दे देता है। तब बंदरों की माँ, तुम्हारे धन्यवाद कैसे करूँ मैं, पहले तुमने अपनी लकड़ियों से घर बना दिया और अब खुद के लिए लेकर जा रहे फल भी दे रहे हो। ऐसे कहते हुए वो बंदर गोपाल को एक चमकीला पाउडर देती है और कहती है कि उसके घर में जो भी यंत्र है उस पर ये पाउडर डाल दो, तब वो यंत्र गोपाल को वो देगा जो उसी के लिए बेहतर होगा। गोपाल उस बंदर को शुक्रिया कहकर वो लेकर वहाँ से चला जाता है।
क्या बात है जी, सुबह से शाम तक जंगल में रहने के बाद भी ना एक फल लेकर आए हो ना लकड़ी लेकर आए हो। वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पहले मुझे वहाँ पर रखा हुआ ग्राइंडर दो। ऐसे गोपाल उस ग्राइंडर पर बंदर का दिया हुआ पाउडर डालता है और उस ग्राइंडर को स्टार्ट करता है। उसके बाद उसमें से प्रॉन्स निकलने लगते हैं। वो देखकर गोपाल खुश होता है और नंदनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। गोपाल नंदनी को सारी बात बताता है। उसके बाद उस मैजिकल मशीन में से निकलने वाले प्रॉन्स को अपने मछुआरे दोस्तों को कम दाम में बेचता है। वो सब आगे जाकर थोड़े ज्यादा पैसों में व्यापार करते हैं। हमें नहीं पता कि तुम इतने सारे प्रॉन्स कहां से लेकर आ रहे हो, लेकिन इतना जानते हैं कि तुम जैसे दोस्त हो तो विश्वास जैसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोपाल अपनी प्रॉन्स मशीन को एक रहस्य की तरह ही रखता है, भविष्य में किसी की नियत खराब ना हो जाए सोचकर।